हे hey गाइस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक पोइट्री जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन एंड दिस इज रिटन बाय कमला दास जो कमला दास हैं वो एक फोर मोस्ट इंडियन राइटर हैं बहुत ही फेमस थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करती थी एंड शी वाज बोर्न इन 1934 में केरला में और ये दोनों लैंग्वेज में लिखती थी मतलब कि अपनी मदर टंग मतलब कि मलयालम में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी लिख सकती थी इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इन्हें केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1969 में और इनके कुछ बहुत फेमस वर्क्स हैं इन 2009, थाउजेंड नाइन द टाइम्स कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री इन्होंने बहुत सारे नाम भी यूज करे हैं जैसे कि कमला सूर्या इनका जो पेन नेम था एज्यूम नेम था वो था और इनकी जो पोइट्री है एंड इंट्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा फेमस है और ये नॉर्मल लैंग्वेज है मतलब कि इसे हम पढ़ के समझ सकते हैं इनकी लैंग्वेज में कि इस पोइट्री में उन्होंने क्या लिखा है इनकी जो पोएम्स हैं मेरी डील करती है थीम होते हैं मैक्सिमम होते हैं सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और डिजायर या फिर अनसक्सेसफुल अरेंज मैरिज फ्यूटिलिटी ऑफ लस्ट लॉन्लीनेस या फिर सोर ऑफ नॉट बींग सक्सेस इन लव मेनली घुमा फिरा के मेन इन्होंने पेट्राकल सोसाइटी पर पे लिखा है और लिखा है इन्होंने अपनी मतलब लव के बारे में मैरिज के बारे में जो अनसक्सेसफुल रही हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी उसके बारे में तो जो पोइट्री है एंड इंट्रोडक्शन ये फर्स्ट टाइम अपियर हुई थी समर इन कैलकता जो कि इनका कलेक्शन है उसमें पब्लिश हुई थी ये और ये कहीं ना कहीं इनकी बेस्ट पोएम बोली जाती है इसका बहुत ज़्यादा इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बहुत ज्यादा दिए जाते हैं हर जगह पर इन, इनको कोट किया जाता है तो हम लाइन बाई लाइन नहीं करेंगे क्योंकि इतनी लंबी है मतलब कि सिक्सटी वन या फिर सिक्सटी लाइन की है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज बहुत ईजी है आप एक बार उसे पढ़ के यू कैन अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट रीडिंग यू गेट द ओवरव्यू ऑफ द पोइट्री जैसे कि स्टार्टिंग में बोला है आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नीम्स यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ये पता चल जाता है कि जो वेमेन है जो वेमन परसोना है इस पोइट्री में वो बात कर रही है अपने बारे में कि उसे पॉलिटिक्स नहीं पता है लेकिन उसे नेम पता है ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट दैम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगेन विद नेहरू कि उसे कुछ भी नहीं पता है पॉलिटिक्स के बारे में लेकिन उसे उन सब के बारे में पता है जिनके पास पावर है जो अथॉरिटी में है और वो उनके नाम्स को इस तरीके से स्पेल कर सकती है जल्दी जल्दी जैसे कि हम वीक को स्पेल करते हैं मंथ्स को करते हैं और वो कहती है वो स्टार्ट करेगी नेहरू से जो कि कमला दास है वो बोलती है तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही बिगिनिंग में ही ये दिखाया गया है शो किया गया है कि जो वुमेन है उनको कैसे जो सोसाइटी है जो पॉलिटिक्स है उनसे एक्सक्लूड किया जाता है मेनली तो जो पोइट्री है वो शुरू होती है यहाँ पर एक गर्ल की आवाज़ है एक परसोना है गर्ल परसोना उसकी आवाज़ में शुरू होती है और वो एक रिबेलिंग टोन में बोलती है जो कि नॉर्म्स सोसाइटी ने लगाए हैं या फिर जो पेट्राकल सोसाइटी के नॉर्म्स थे उनके अगेंस्ट में बोलती है वो तो जो ओपनिंग लाइन है वही पोर्ट्रेट कर देती है जो वुमेन की कंडीशन थी उस टाइम पे जो मार्जिनलाइज पोजीशन थी उनकी कि उन्हें सोसाइटी से मार्जिन में ला दिया गया था एक्सक्लूड कर दिया गया था और ये मे बी ये भी कन्फेस करती है कि जो इग्नोरेंस है जो लोग इग्नोर करते थे वुमेन को उस टाइम पे उसके बारे में भी हो सकता है बट इट कंसील्स एन आर दैट सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट अ वुमेन टू डील इन पॉलिटिक्स और ये दिखाता है कि कोई भी सोसाइटी उस टाइम पे जो सोसाइटी में लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आए और उसे डील करे वो कभी भी पॉलिटिक्स की मास्टर नहीं रही है जो लीड जिस गर्ल की बात करी गई है या फिर वुमेन की बात करी गई है सभी वुमेन की जो उस टाइम पे कंडीशन थी उसमें कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं थी कभी भी उनमें मास्टर नहीं थी बल्कि वो उसकी एक विक्टिम उस एक विक्टिम विक्टिम रही रही उस पॉलिटिक्स की और इसीलिए जो गर्ल परसोना है जो गर्ल की आवाज है जो लोग उसमें पावर में हैं उनके नेम से उसकी लाइफ में कोई भी इम्पेक्ट नहीं होता है उसकी पर्सनल लाइफ ना तो उससे कुछ गुड हो रहा है ना बैड हो रहा है क्योंकि उसको उससे कोई मतलब है नहीं उन्हें टोटली जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है उसके बाद वो अपने सिग्निफिकेंटली uh, कुछ शो करती है नेशनैलिटी को शो करती है कॉम्प्लेक्शन को शो करती हैं प्लेस ऑफ बर्थ द लैंग्वेज यहाँ पर मेनली दिखाई गई है आरनी दिखाई गई है जो लैंग्वेज है इसमें बताया गया है कि आई स्पीक थ्री लैंग्वेज राइट इन टू ड्रीम इन वर्ल्ड बोला गया है कि वो थ्री लैंग्वेज में बोल सकती थी इंग्लिश जो उनकी मदर टंग है मलयालम और हिंदी राइट इन टू दो लैंग्वेजेस में लिख सक लिख सकती हैं और ड्रीम इन वन और अपनी जो मदर टंग है उनमें ड्रीम कर सकती हैं डोंट राइट इन इंग्लिश दिस एड जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इंग्लिश में मत लिखो क्योंकि ये तुम्हारी मदर टंग नहीं है Why not leave me alone? Critic, friend, visiting cousin, every one of you. तो यहाँ पर वो बोलती है कि जो लोग हैं उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं वो उनकी मर्जी है कि वो उसमें किस चीज़ में लिखना चाहती हैं, किस चीज में ड्रीम करना चाहती है वो उनकी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है पर्सनल उनकी चॉइस है अगर वो बोलती है एनी लैंग्वेज आई लाइक द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइंड कि वो उस लैंग्वेज में लिखेंगी वो उस लैंग्वेज को चूज़ करेंगी जो उनका मन करेगा जो उनकी है उसमें किसी और की कोई भी इंटरफेयर उन्हें पसंद नहीं है ऑल माइन माइन अलॉन सब कुछ उनका है और सिर्फ उनका ही है वो उनकी चॉइस है इट्स हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन फॉरी पोहेप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम डोंट यू सी इट वॉइस इज माई चॉयस माई लॉन्गिंग्स माई होप्स एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉलिंग यहाँ पर मेनली वो बता रही है कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से एक वुमेन को सप्रेस करती है कि उनके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजों को करे उनके अकॉर्डिंग ही वो चीजों को आगे अगर करे और यहाँ पर वो मेनली दिखाती हैं जो डिस्टेस है पॉलिटिक्स का उसके बारे में भी कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है और मेनली यहाँ पर वुमेन की बात हो रही है कि वुमेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो अपनी लैंग्वेज के बारे में बताती हैं वो बताती हैं कि वो कहाँ पर उनका बर्थ हुआ था उसके बारे में बताती हैं वो अपने फ्रेंड्स को क्रिटिक्स को फैमिली रिलेटिव को कहती है कि वो वह अकेला छोड़ दे और वो चॉइस करेंगी उनकी चॉइस होगी लैंग्वेज की वो किस चीज़ में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं वो क्लेम करती है कि वो हर एक मूवमेंट जो शी यूज एन लैंग्वेज इट बिकम्स हर ओन कि वो जब भी भी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करती है वो उनकी लैंग्वेज बन जाती है वो यूज़ करती है इंग्लिश थोड़ी सी वो मिक्स होती है इंडियन लैंग्वेज में वो भी थोड़ी सी फनी हो जाती है लेकिन ऑनेस्ट है और एक ह्यूमन बींग की तरह से है आगे वो बोलती है कि जो लैंग्वेज वो यूज़ करती है वो कैपेबल है एक्सप्रेस करने को उनकी वॉइस को एक्सप्रेस करने को उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने को आगे वो जो इशू था पॉलिटिक्स का इशू था पॉलिटिक्स से इशू से वो लैंग्वेज पे जाती हैं कि वो लैंग्वेज कैसे कैसे वर्क करती है या फिर उनके ऊपर सप्रेशन डाला जाता है और उसके बाद जो पोइट्री है वो फिर से मूव करती है सेक्शुअल पॉलिटिक्स पे पहले उन्होंने जनरल पॉलिटिक्स की बात करी फिर लैंग्वेज की बात करी और अब सेक्शुअल पॉलिटिक्स की बात करती हैं तो वो यहाँ पर आ, एक्सप्लेन करती हैं या फिर अप, अपना एक इनकाउंटर बताती हैं जब उनकी जो एज थी प्योरटी एज age थी एजेस उनके ईयर थे उस टाइम पर उनकी सडन मैरिज हो जाती है उसके बाद जो उनका फर्स्ट सेक्शुअल इंकाउंटर होता है वो कितना ज़्यादा ट्रामेटाइज होता है वो इस के बारे में भी बताती हैं तो कुछ भी देख लो अगर पॉलिटिक्स की बात करें उसमें या फिर लैंग्वेज की बात करें उसमें या सेक्शुअल अफेयर्स की सेक्शुअल पॉलिटिक्स की बात करें उसमें तो हर एक चीज में दे वो सप्रेसिंग वुमेन तो आगे जैसे उन्होंने इसमें बताया है कि जो उनका सेक्शुअल इनकाउंटर था वो कैसे ट्रामेटाइज था तो ये जो लाइन है आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रो फो आई बिकेम टॉल टोल माई लिम्स वर्ल्ड एंड वन और टू प्लेसिस स्पॉटेड हेयर तो ये मेनली बता रखा जो प्यूबर्टी एज होती है जो एज होती है जब आप ग्रो करते हैं आपकी जो एज है वो बढ़ जाती है मेनली सिक्सटीन सेवनटीन के अराउंड में तो जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है बॉडी में उसके हिसाब से उनकी जो शादी है वो कर दी जाती है अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो डिफाइज करती है जेंडर कोड को और वो कहती है कि अगर एज अ वुमेन उनकी बॉडी अगर है तो इसीलिए उन्हें ट्रामेटाइज किया गया है तो फिर वो ड्रेस हो जाती है एज अ मैन वो एक शर्ट पहन लेती है एक ट्राउजर पहन लेती हैं और वॉल पे वॉल के जो ऊपर का एरिया है तो उस जा बैठ जाती है सिट्स ऑन द वॉल तो जो गार्जियन है वो मोरल की बात करते हुए कहते हैं कि जो वुमेन है वो मेनली अटायर में अच्छी लगती है सारीज में अच्छी लगती है यहाँ पर सूट नहीं करती है यहाँ पर फिट नहीं करती है योर रोल इज़ लाइक अ वमेन वाइफ और मदर तो ये हर एक चीज़ में वो कुछ भी करें अगर कोई वुमेन है वो कुछ भी करती है गर्ल कुछ भी करती है तो हर एक टाइम पर हर एक जगह पर उसे कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है उन्हें एक तरीके से बाउंडेशन में रखा जाता है उसके बाद जो पोइट है वो बताती है एक उसके बारे में कि कैसे उन्हें डिस्करेज किया गया था कि वो अपनी इमेजिनेशन में इन्वॉल्व ना हो डोंट प्ले प्रटेंडिंग गेम्स की उनको ऐसे रखा जाता था उनका जो ऑर्डर था डिसऑर्डर था वो कैसे था जो उनकी मिस इंटरप्रटेशन थी रियलिटी की उसको लोग कैसे डिसकरेज करते थे उनके परसेप्शन को कैसे डिसकरेज करते थे तो जो पोइट है वो यहाँ पर अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं अदर सफरिंग वुमेन से जो वर्ल्ड में रही हैं कमला दास जो है वो यूनिवर्सलाइज सफरिंग को दिखाती हैं और फ्रीडम और लव के लिए ए, बोलती हैं उसके लिए सीख करती हैं द पोइट देन डिस्क्राइब्स ह वुमेन इंकाउंटर विद अ मेन कि एक वुमेन का इनकाउंटर एक मैन से और उसमें वो बताती है कि होम शी कॉल द एवरी मैन एंड डज नॉट कॉल हिम बाई नेम जिसे कि वो सिर्फ़ जैसे कि और इंसानों को बोलते हैं लेकिन उस बंदे को उस पर्सन को उस मैन को वो नाम से नहीं बुलाती हैं एवरी मैन शी मीड्स डिफाइन हिमसेल्फ एज आई द सुप्रीम मेल ईगो आई इज़ फ्री एंड इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जिसे बोला जाता है कि आई तो जो प्राइमरी सोर्स है जो सुपीरियर मेल है जैसे कि माना जाता है यहाँ पर इस पॉइंट में जैसे बताया गया है जो बट्रागल सोसाइटी है उसमें जो मेल है वो सुपीरियर वन है प्राइमरी ऑब्जेक्ट है तो वो आई वर्ड का यूज बहुत ही तरीके से करता है उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसका एक ईगो हो जाता है और जो एंड है पोइट्री का उसमें हम देखते हैं कि जो उसका रोल है वी सी अ काइंड ऑफ रोल रिवर्सल जो पोइट है वो खुद को भी ट्रांसफर कर देती है आई में जैसे कि इसमें बताया कि उन्होंने कहा कि जो मेल है वो अपने लिए आई वर्ड यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है मेल ईगो है उनका और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जो पोइट है वो भी अपने आप को लास्ट में आई में कन्वर्ट कर देती है जैसे कि लास्ट लाइन में बोला गया है आई टू कॉल माई सेल्फ आई कि वो भी अपने आप को आई बोलेंगी ना कि जो आई है वो ट्रांसफर हुआ है पोइट में कि आई कॉल माई सेल्फ पोइट ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा कि आई टू कॉल माई माई सेल्फ आई कि वो अपने आप को भी आई बोलेंगे क्योंकि जो आई वर्ड है जो आई सेंटेंस है कैपिटल आई है वो कहीं ना कहीं दिखाता है अथॉरिटी को पावर को तो जो पोएम है वो स्टेटमेंट दिखाती है जेंडर डिफरेंस के बारे में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो वुमेन के ऊपर डाली जाती है उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर डाली जाती है जो उनका लव है वो कैसे होता है जो बॉडी के चेंजेस होते हैं उनकी वजह से उनकी शादियां कर दी जाती थी उनकी खुद की कोई नीड नहीं होती थी खुद की कोई फ्रीडम नहीं होती थी तो यहाँ पर जो आके पोइट्री है वो खत्म हो जा...